हेलो एवरीवन, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एसएससी एमटीएस 2017 का एग्जाम अभी चल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो भी आज एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है आज, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस के साथ आपके सामने यहाँ आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के दिन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ जीए से हम देख सकते हैं, वो है हु गॉट 2017 बुकर प्राइज। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि 2017 में बुकर प्राइज किस व्यक्ति को मिला था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डेविड ग्रॉसमैन। जी हाँ, डेविड ग्रॉसमैन को अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार के लिए ये प्राइज बुकर प्राइज मिला था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो भी जीए से ही है। दूसरा क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसमें पूछा गया था कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो ऑथर थे उनका नाम क्या है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा अरुंधति रॉय। जी हाँ, ये काफी प्रसिद्ध लेखक है और अभी हाल ही में उनका काफी नाम हुआ है, काफी चर्चित ये बुक रहा है। तो इसका उत्तर होगा अरुंधति रॉय। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो मैथ से है। क्वेश्चन है इफ 1.17% डिस्काउंट वाज गिवन ऑन एमआरपी 68,000 देन व्हाट इज द एसपी। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एमआरपी 68,000 मार्केट प्राइस जो होता है वो 68,000 किसी पार्टिकल, किसी ऑब्जेक्ट का है, किसी प्रोडक्ट का। तो उस पर अगर 1.17% हम डिस्काउंट दे दें तो फिर एसपी क्या होगा। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगाना है हमें। 1.17% जो है इसका 68,000 का निकाल के उसे सब्ट्रैक्ट करके और जो फाइनली आएगा वही इसका एसपी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.7 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब प्लस 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7। फिर अगला क्वेश्चन जो आया था वो था 48% ऑफ 5200 प्लस 18% ऑफ 6300 इज इक्वल टू व्हाट। इसमें पूछा गया था 48% आपको 5200 का पहले निकालना था और उसे 18% ऑफ 6300 का निकाल के ऐड करना था दोनों को। तो इसमें भी कुछ नहीं है, 48% 48/100 इंटू 5200, तो 48 को 52 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 18/100 इंटू 6300, 100 गया 20 और नीचे का 100 गया, तो 18 इंटू 63 और जो आएगा उस दोनों को ऐड कर दीजिए, 18 इंटू 62 प्लस 52 इंटू 48। फिर अगला क्वेश्चन जो आया था मैथ्स का ही था, इफ पी एंड क्यू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, क्यू एंड आर कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज एंड आर एंड पी कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज विल टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। तो ये भी मैथ्स का क्वेश्चन था और ये एक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसमें बोला गया था कि पी और क्यू, मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं पी और एक क्यू, दो पर्सन हैं, तो दोनों मिलके एक काम को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। फिर क्यू एंड आर जो है, इसमें क्यू देख रहे हैं, क्यू कॉमन है दोनों में, क्यू एंड आर जो है वो मिलके 16 डेज में इसे कंप्लीट करते हैं और आर एंड पी जो है वो सेम वर्क को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब यहाँ पी और पी क्यू है और यहाँ क्यू आर है, तो इसमें क्यू कॉमन है और यहाँ से आपको क्यू का निकल जाएगा एफिशिएंसी, एक इक्वेशन के रूप में आ जाएगा और फिर आप पी क्यू और यहाँ पी और आर के बीच में दिया गया है, तो आर देख रहे हैं पी क्यू और पी आर, पी के साथ भी यहाँ आर है और क्यू के साथ भी आर है, तो और यहाँ पी और क्यू दोनों एक साथ है, तो आपके पास यहाँ पे क्यू से एक क्यू आर के साथ एक इक्वेशन आ जाएगा और पी आर के साथ एक इक्वेशन आ जाएगा, दोनों को कंपेयर कर दीजिए और फिर पी एंड क्यू वाले से कंपेयर कर दीजिए तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बस आपको तीन इक्वेशंस बनाने हैं और आप देख सकते हैं यहाँ तीन वेरिएबल हैं, तीन इक्वेशंस आने से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, दो वेरिएबल हैं, तीन इक्वेशन आने से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए और देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए थे। तो अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 24, 60 एंड 48। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, बेसिक मैथमेटिक्स बचपन में हमने सीखा था कि इसमें पूछा गया है 24, 60 और 48 का एलसीएम क्या होगा। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको जो बचपन में आपको सिखाया गया होगा द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो इसका है वो आपको निकाल के इसमें आंसर देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ वन स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर इंटू
ऐसे ही प्रोसीडेड है 9 स्क्वायर तक। तो इसमें आपको पहले इन सबको सॉल्व करना है, उसके बाद इसका एवरेज निकाल के देना है। तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1 फिर इसका 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा, तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ 9 और प्लस 6 9 × 16, फिर ऐसे ही 5 का स्क्वायर करिएगा 25 × 6 का स्क्वायर 36। तो ऐसे ही सबको सॉल्व करके उसके बाद ऐड कर सकते हैं। इसका एक पैटर्न भी होता है जो नेचुरल नंबर्स हमने सीरीज में भी पढ़ा था प्रोग्रेशंस में, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो उसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, वो ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि आप ऐसे अगर बारी बारी सॉल्व करते हैं तो वो लेंदी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड दी सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 20%। मतलब इसमें आपको एक इसको जो आप सॉल्व करिएगा तो इसको एक पार्टिकुलर अमाउंट ले लीजिए, जैसे 100 रुपीज़ ले लीजिए, उसके बाद यहाँ 2 डिस्काउंट दिए गए हैं ठीक ना, 12% और 20%, और आपसे पूछा गया है कि दोनों को जो फाइनली जो अमाउंट आएगा वो कितना डिस्काउंट देने पे वो डायरेक्ट वो अमाउंट आ जाएगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको 2 बताया गया और उसका पूछा गया कि डायरेक्ट जो कितना डिस्काउंट देंगे तो वही फाइनल अमाउंट आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी आसान है, पहले आप अमाउंट निकाल लीजिए 20%, पहले जैसे 100 लिया आपने तो 100% का 20% निकाल लीजिए, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर उसमें जो आएगा फिर उसको जो अमाउंट आएगा 20% 80 रुपीज़ आएगा, फिर 80 रुपीज़ का 12% निकाल लीजिए और फिर 9.6 अप्रॉक्स आएगा, तो 80 फिर उसके बाद उसको भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फिर देख लीजिए कि जो टोटल फाइनल वैल्यू आया है दोनों को सब्ट्रैक्ट दोनों का डिस्काउंट निकालने के बाद वो डायरेक्टली कितना डिस्काउंट देने पे वो वैल्यू फिर से आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है इफ सिप इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू, अच्छा इसमें जो हमने सॉल्यूशन भी डाल रखा है कि सिप तो यहाँ पे दिया गया है आपको, तो सिप का कोड दिया गया है कुछ, फिर यहाँ लाइक का आपको 346 का 643 कोड दिया गया है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 135 है तो इसको फिर अपोजिट कर दिया, रिवर्स कर दिया गया है 531 346 है इसको रिवर्स करके 643 कर दिया। फिर हेलो का पूछा गया है तो हेलो में 7358 है, इसका भी आंसर जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा 8537, जिसका आंसर होगा 8537। फिर एक क्वेश्चन अजंता केव से भी रिलेटेड आया था, तो वैसे ये क्वेश्चन जनरली आते नहीं है केव से रिलेटेड, फिर भी आज के दिन ये क्वेश्चन आए थे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन था ए वॉक वेस्ट 5 किलोमीटर देन टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 15 किलोमीटर हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ही इज। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। क्वेश्चन में पहले लिखा गया है कि ए वॉक वेस्ट 5 किलोमीटर, ए जो है वो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है वेस्ट की ओर, तो वेस्ट डायरेक्शन में आप ऐसे एक लाइन खींच के बना सकते हैं कि वेस्ट की ओर मतलब चलता है, तो इसे मैं दिखा दूं आपको, इसे आपने लिया ऐसे करके यहाँ बना सकते हैं, वेस्ट की ओर चला वो 5 किलोमीटर हो गया ओके। फिर उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि देन टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप अपने आप को यहाँ इमेजिन करिए आप यहाँ खड़े हैं, तो आपका जो राइट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो इस डायरेक्शन में होगा, तो टर्न राइट फिर वो जो ए था वो इधर घुमा और फिर 10 किलोमीटर वो ए चला, तो इसके लिए भी आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे इसे यहाँ से ऐसे आपने ले लिया ये 10 किलोमीटर, जैसे थोड़ा लंबा बनाते हैं आप मान लीजिए ऐसे 10 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद देन अगेन टर्न राइट, तो अगर लगातार एक ही डायरेक्शन में आप टर्न कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक जो पैटर्न एक पैटर्न बन जाएगा, या तो स्क्वायर यहाँ देखिए एक रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा, एक कंप्लीट होने लगेगा फिगर, जैसे अभी हम फिर ये जो ए है वो राइट टर्न 15 किलोमीटर चल रहा है, तो फिर आप देखेंगे कि इसमें भी एक जो आप इधर एक एरो मतलब दे सकते हैं आप ऐसे करके बना सकते हैं जैसे, तो इधर 15 किलोमीटर वाला आप एक एरो बनाइए ओके। फिर उसके बाद ये 15 किलोमीटर का होगा तो ये थोड़ा लंबा होगा, फिर यहाँ पूछा गया हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था तो ये डिस्टेंस आपके पास 10 था और ये 15 इधर ट्रेवल किया है तो ये 10 ही है, तो 5 इधर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 5 आपके पास बेस आ गया, यहाँ पे ये 10 आ गया, जैसे आप इसे यहाँ पे भी इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाला लाइन जो है इसे आप यहाँ खींच के ले आइए, इसे आप यहाँ खींच के ले आइए, उसके बाद इमेजिन करिए कि आपका यहाँ पे 10 किलोमीटर का मतलब आ चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं। फिर यहाँ से 5 किलोमीटर वो और चला था तो यहाँ पे 5 किलोमीटर का आप एक लाइन एरो बना सकते हैं, और ये 5 किलोमीटर जो मैं डायरेक्शन ऐसे उल्टा है लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं 5 किलोमीटर इधर गया। अब उसके बाद आप एक यहाँ पे एक एरो यहाँ पे बनाइए और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो फिर यहाँ पे ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ, उसके बाद हाइपोटेनस का फॉर्मूला आप लोग को आता होगा,
एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर बाई बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसे आप ये लेंथ निकाल सकते हैं और यही उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो था वो था फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया गया था और पूछा गया था कि आगे क्या होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं ए सी बी, तो ए बी और फिर सी, मतलब ए के बाद यहाँ बी लास्ट में, फिर बीच में सी डाल दिया उन्होंने, फिर उसके बाद ई जी एफ। तो इसमें आपके पास क्या किया गया कि ई है, फिर यहाँ एफ है, फिर यहाँ जी है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया उन्होंने, लेकिन यहाँ पे ई के बाद यहाँ एफ कर दिया है और जी को इधर ले आया, मतलब लास्ट के दो जो है वो डिस्प्लेस हो गए हैं। वैसे यहाँ पे एच आई जी, तो एच आई जी आप देख सकते हैं यहाँ पे एच आई जे है, तो एच के बाद आई आता है, लेकिन आई और जे को उन्होंने डिस्प्लेस मतलब रिप्लेस कर दिया है इसलिए। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ए बी सी हो गया है, फिर डी उन्होंने छोड़ दिया है, फिर ई एफ जी हुआ है, फिर उन्होंने ई एफ जी एच आई जे, उसके बाद यहाँ पे अब क्या होगा के एल एम, एल एम नहीं होगा, यहाँ पे के होगा, फिर एल एम नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि एल और एम जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी यहाँ पे इन्होंने पैटर्न फॉलो किया है, ए बी सी, फिर डी छोड़ा है, फिर ई एफ जी, फिर एच आई जे, फिर यहाँ एक छोड़ेंगे वो लोग, तो एच आई जे के छोड़ा उन्होंने, तो एल एम एन, ओके एल एम और एन और एम एन जो है वो आपस में डिस्प्लेस कर लेगा, तो यही इसका आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन था फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें सीरीज आपके पास दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि इसके बीच में यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क वहाँ क्या होगा, तो 4, 9, 16, 36, 49, 64, तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको देख के सीधा दिमाग में आ जाता है कि ये स्क्वायर है। जी हाँ, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ जो 36 है वो 6 का है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, तो एक मिसिंग टर्म जो रह गया बीच में वो है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 जो है वही आंसर होगा। फिर एक एंटोनियम श्रिंक और एक एंटोनियम अनरूली, मतलब ये दोनों का आपके आपसे पूछा गया था। एंटोनियम श्रिंक जो होता है इसका मतलब होता है जो सिकुड़ जाना, तो इसका जो एंटोनियम होगा वो स्वेल होगा, और एक अनरूली का भी आपसे पूछा गया था, तो ऐसे ही उसे उसका भी आंसर देना था। फिर एक फ्रेज और आइडम्स से, ये सब इंग्लिश का पार्ट है, फ्रेज और आइडम्स में एक स्टोन्स थ्रो, ये जो आइडियम है ये आपसे पूछा गया था। फिर एक टॉपिक ऑफ क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में जो टॉपिक था जिससे आज पूछा गया है वो समर वैकेशन था, समर वैकेशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज क्लोज टेस्ट में। फिर एक क्वेश्चन और जो क्वान्टिटी एप्टीट्यूड मैथ से आया था वो था इफ पी इज इक्वल टू 5000, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, आर इज इक्वल टू 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और टाइम 2 साल के लिए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों को आता होगा। इसे दो वे में सॉल्व कर सकते हैं, या तो पहले आप अमाउंट निकाल लीजिए उसके बाद प्रिंसिपल 5000 घटा लीजिएगा, या फिर सीधे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, पी इंटू 1 + R/100, आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, और फिर उसका जो पावर होगा वो एन होगा, मतलब जितने साल के लिए दिया गया है। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि हाफ ईयरली या एनुअली, तो नहीं मेंशन हो तो एनुअली ही जनरल रहता है, तो वहाँ उसके पावर एन पे चला जाएगा, टाइम जो है वहाँ 2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5000 × 1 + 12/100 और टू द पावर 2, तो यही इसका अमाउंट हो जाएगा। फिर जो निकलेगा उसमें से 5000 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि हम जो आगे वीडियोज अपलोड करते रहें रिलेटेड जितने भी SSC एग्जाम्स होते हैं या जनरल कंपटीशन, उन सभी का वीडियो आपको मिले और आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। थैंक यू, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।